अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 सीरीज का चैप्टर है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ करेंगे 6.2 की। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए एन प्लस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5, कह रहा फाइंड द एन टर्म। इसमें एक चीज लिखिए, देखिए ए एन प्लस 3, वो कह रहे हैं एन टर्म फाइंड करनी, यानी कि हमने ए एन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट यानी ये चीज जो लिखी हुई है, हम कहेंगे एन इज इक्वल टू एन माइनस 3। फर्स्ट कर लें, इस जगह के ऊपर अगर लिखा होता ना, कैसे लिखा होता, ए इज इक्वल ए एन माइनस 5, फर्स्ट कर लिया लिखा होता, फिर मैं लेता लेट n is equal to, ये मुझे खत्म करना होता है, मैं लिखता है n plus 5, ताकि जब मैं इसके n की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ये कैंसिल हो जाए। तो इसलिए इसमें जो चीज़ भी यहाँ होगी ना, उसके अपोजिट जब से ले लेना होगा n के इक्वल, यानी कि ये प्लस 3 था तो मैंने माइनस 3 ले लिया, अगर यहाँ मेरे पास माइनस 5 था तो मैंने n की वैल्यू n plus 5 ली, क्योंकि जब इसमें ऐड इसमें पुट करूंगा तो ये कट कर an आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए, मैं इसीलिए इस जगह के फर्क करते हैं इसको, हम लिखते हैं n is equal to n minus, हमारे पास क्वेश्चन था a n plus 3 is equal to 2n minus 5। अब मैं क्या करता हूँ, इस n की जगह के ऊपर ये पुट कर लेता हूँ n minus 3 और plus 3, इधर भी पुट करेंगे हम 2n minus 3 minus 5। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी वो आ गई an, ये मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2n minus 6। अब हमारे पास हम क्या देखेंगे, ए एन टू एन माइनस 11, तो ये हमारे पास एन टर्म आ गई। यहां बस ध्यान ये करना, जो वैल्यू होगी उसको एन जब लेंगे, अगर यहां प्लस 5 लिखा तो माइनस 3 लिखेंगे, एन इज इक्वल टू एन माइनस 3, यहां लिखा हुआ है एन ए एन माइनस 5, तो मैं इसे एन की जगह पे लेट क्या करूंगा एन प्लस 5, ताकि मेरे पास जो कॉन्स्टेंट था कट जाए, ताकि हमको ए एन टर्म जो भी हम मालूम कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -85, बताइए कौन से नंबर की है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट है ना, इसको हम कहेंगे ए 1 5, ठीक है, इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी इज इक्वल टू कोई भी जो आगे वाली नंबर हो उसमें उसमें से पीछे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि 2 माइनस 5, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 3। ये जो आखिरी जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं an माइनस 85। वो कह रहे हैं n को फाइंड करने हमने कि ये माइनस 85 किस नंबर पे है। हमारा एक फार्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, अभी इस जगह पे एन की जो वैल्यू हमारी थी माइनस 85 है, ये हमने पुट कर ली, और ए 1 यानी ए इसकी वैल्यू थी हमारे पास 5, और एन हमने मालूम करना है एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस 3, तो ऐसे ब्रैकेट में लगा के लिखना ताकि पता चले मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 85 इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 3n, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया हमारे पास माइनस 85 इज इक्वल टू 5 और 3 8 माइनस 3n, ये वाला 8 जो आंसर है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3n, ये बन गया हमारे पास माइनस, दोनों माइनस है तो आ जाएगा 93 माइनस 3 है, ये दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है, 93 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 3 3 1, तो n इज इक्वल टू 31। तो इसका मतलब है ये हमारी कौन से नंबर पे है, 31st, यानी कि 31 के ऊपर, ये नंबर के ऊपर ये माइनस 85 है। अब देखिए एक और सवाल इसमें लिखा है हमारे पास 13, कह रहा है इफ ए 1 ओवर ए
one hour b and one hour c are in arithmetic progression. So can I show that if b is equal to 2ac plus 2ac over a plus c, ये हमने प्रूफ करना है. ये मेरे पास चीज़ है, हम इसको पहले सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पहले कि d is equal to 1 over b minus 1 over a. और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हमारे पास सीक्वेंस में है तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये भी d के बराबर होगा, 1 over c minus 1 over b. इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. अगर मैं इसको कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर लें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 over b minus 1 over a is equal to 1 over c minus 1 over b. अब देखिए ये 1 over b लिखा है, ये माइनस, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या हो सकता है, 1 over b येरो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, 1 over c जो उधर आकर प्लस हो जाएगा 1 over a. ये बन जाएगा कैल्सियम, बन जाएगा b 1 प्लस 1, इन कैल्सियम आ जाएगा a c, तो c इसमें से कट जाएगा, a ऊपर चला जाएगा a, और ये a कट जाएगा और c ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ये बन गया मेरे पास 2 over b is equal to a plus c over a c. अब देखिए हमने प्रूफ करना है b, ये प्रूफ करना है हमने b is equal to 2ac over a plus c. अब तो क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रकम आ जाएगी और ये ऊपर चली जाएगी, यहां से ये बन जाएगा हमारे पास b is equal to, ऐसे आ जाएगा b ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये पहले जाए चला जाएगा 2ac और a plus c नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा 2ac over a plus c. तो हमारे पास ये हमने प्रूव कर दिया इसको. इसी तरह इसका ना क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है. तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करता है तो इस वाला पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 14 वो भी इसमें कहता है कि इफ 1 ओवर a 1 ओवर b एंड 1 ओवर c, कह रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कह रहा है आप क्या शो करें कि कॉमन डिफरेंस कौन सा है, d इज इक्वल टू a माइनस सी ओवर 2ac के बराबर, ये प्रूफ करना है. तो हम क्या करते हैं, वही चीज अभी हमने किया था, इसी तरह हम लिख लेते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस 1 ओवर a, ये होगी इक्वेशन 1, और आ d इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 1 ओवर b, ये होगी इक्वेशन 2. अब देखिए अगर हम इनको ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, ऐड 1 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें ये आ गया हमारे पास 1 ओवर b प्लस का, ये 1 ओवर b माइनस का, तो ये कट गए, ये आ जाएगा 1 ओवर 2d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 ओवर c माइनस 1 ओवर a, तो इनका एलसीएम आ जाएगा ac, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a माइनस सी, ये बन गया 2d, तो d जो सा हो जाएगा इज इक्वल टू क्रॉस के नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा a माइनस सी ओवर 2ac, ये प्रूफ हो गया. ये इसके सवाल थे 6.2 के, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने किए, तो मुश्किल नहीं होते, लेकिन इसके मैंने कहा उसमें मैंने गैस में भी दिए थे सवाल कुछ, तो मैंने कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्व करने शुरू किए हैं इसके, ये ओल्ड बुक के हैं 11th क्लास के, तो इनको जरा अच्छे से करें, और इंशाल्लाह और सवाल भी मैं करते जाता हूँ तो उसको आप अच्छे से करें.